YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। झारखंड प्रदेश कृषक मित्रों की बैठक में विगत 19 जून से जारी हड़ताल के दौरान सरकार द्वारा बरती जा रही कथित हठधर्मिता को लेकर आगे की रणनीति पर आज गहनता से विचार विमर्श किया गया। कृषक मित्रों ने कहा कि अब वे आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। वाजिब मानदेय देने संबंधी सरकार का आश्वासन झूठा साबित हुआ। कहा कि हड़ताल की वजह से केंद्र सरकार का किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास को भारी धक्का लगा है। किसानों से संबंधित योजनाओं के संचालन में प्रतिकूल असर पड़ा है। कहा कि कृषि चौपाल कार्यक्रम की असफलता इसका प्रमाण है। वहीं केसीसी ऋण मृदा स्वास्थ्य कार्ड सहित तमाम कार्य प्रभावित हुए हैं। ऐसे में तमाम कृषक मित्र एकजुटता के साथ हड़ताल को जारी रखते हुए 9 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठेंगे और लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार द्वारा कृषक मित्रों की सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। आज झारखंड प्रदेश किसान मित्र की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें हम सभी कृषक मित्र 19 जून से हड़ताल पे हैं। कोई भी कृषि कार्य से हम लोग दूरी बनाए हुए हैं और इस बीच में हड़ताल के वजह से काफ़ी ये कृषि कार्य बाधित हुआ है और हम लोग को मांग है कि हम लोग जो 16 रुपये में प्रति दिन के दर से जो काम करते आ रहे हैं और सरकार कई बार हम लोग को सिर्फ धोखा देती आ रही है और कई बार आश्वासन भी दिया कि हम अगले बजट में आपको एक ऐसा देंगे मानदेय जो पेट चल सके, आपके भरण पोषण हो सके, लेकिन हर बार सरकार हमको धोखा सिर्फ दी है। और ऐसे में हम सभी उनसे 19 तारीख से जो हड़ताल में है, हड़ताल के दौरान अभी तक विभाग चाहे सरकार के कोई भी अधिकारी हम लोग से वार्ता नहीं किए, तो हम लोग आगे जो है से 9 जुलाई से हम लोग भूख हड़ताल पे यहीं कचहरी परिसर में बैठेंगे और इसी के तहत आज हम लोग बैठक आयोजित किए गए थे। अब इसी बीच में बीच का जो 1 से आज 8 तक है वो हड़ताल जारी रहेगा और 9 तारीख से हम लोग सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इसको कैसे सरकार से हम लोग को लड़ना है इस पर हम लोग आज बैठक में ये चर्चा कर रहे हैं। और प्रखंड स्तर पर जो अभी कृषि चौपाल चला वो बिल्कुल एकदम फेल रहा। हम लोग की उपस्थिति के कारण किसान की उपस्थिति वहां नहीं हो सकी, जानकारी नहीं हो सका। ऐसे में केंद्र सरकार का जो 2022 तक किसानों के आय दोगुनी करने की बात हो रही है वो हम लोग के कारण बिल्कुल फेल हो रहा है। ऐसे में किसान इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर पर किसानों से जुड़े हुए हैं जो सीधा असर आज किसानों का और विभाग के बीच में देखा जा रहा है कि किसान मित्र क्या काम करते थे, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, हम लोग फसल बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और ये केसीसी ऋण किसानों को मुहैया कराते हैं, बीज वितरण करते हैं, बीज प्रत्यक्षण करते हैं, श्री विधि खेती कराते हैं और अनेक तरह के ऐसी योजना है जो ग्रामीण से हम लोग सीधे किसान से संबंध, उनके दुख सुख के साथ हमेशा तत्पर रहते हैं और वो विभाग को हम लोग आला अधिकारी को उनके दुख को बातों को पहुँचाते हैं। स्कूल में ज्वाइन किया उस समय कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होता।